आइए जानते हैं कि जब एक स्कैमर आपको कॉल करता है तो ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का नाम लेके आपके साथ कैसे फ्रॉड करने के इंटेंशन से आपको कॉल करता है एंड साथ ही साथ आपसे कौन सी डिटेल्स निकलवाना चाहता है। स्कैमर का कॉल सुनते हैं एंड इसके पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि ये कॉल उठाया भी क्यों। सी यूजुअली क्या होता है कि अननोन नंबर्स के कॉल वैसे भी उठाने नहीं चाहिए, ठीक है। बट इस वक्त क्या हुआ था कि रितु ने कुछ चीजें थी जो मीशो से ऑर्डर करी थी एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग के उस दिन डिलीवर हो जाएंगी। तो पहली बार इस इंसान की तरफ से कॉल आया 10:08 पे, तो तब रितु ने उठाया नहीं, सोचा कि यार अननोन नंबर है क्यों उठाए। लेकिन अगेन सेम कॉलर नेक्स्ट मिनट पे कॉल करता है तो आपको भी लगता है ना कि यार अगर आप कोई चीज़ आप ऑनलाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डिलीवरी होने के लिए एंड देन वापस कॉल आ रहा है तो शायद कोई कुरियर वाला तो नहीं है या शायद कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिससे हमें बात करनी चाहिए क्योंकि फिर से कॉल आ रहा है। तो इसी चक्कर में रितु ने कॉल उठाया एंड देखिए क्या बातें हुई यहाँ पे। तो कॉलर क्या बोल रहा है ये सुनते हैं, इस कॉल को हमने रिकॉर्ड किया एंड चलिए इसे सुनते हैं। तो ये करता हूँ मैं प्ले। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी बोलिए। मैं मिशो ऑनलाइन शॉपिंग से बात कर रहा हूँ, सोनू गुप्ता, रितु जी से बात कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। आपने चेक कर, रितु जी आपने मिशो कंपनी में ऑनलाइन के जरिए सामान बुकिंग करवाया था ना? मिशो कंपनी में आपने ऑनलाइन के जरिए सामान ऑर्डर करवाया ना जी? हाँ जी सर। तो आज का डेट में आपका मोबाइल पे एक मैसेज मिला है, कुछ खबरी का मैसेज है, मीशो कंपनी से कुछ प्राइस आपका नाम से दिया जा रहा है, उसके बारे में मैसेज होगा, चेक किया थे मैसेज कुछ सिस्टर? कहाँ है का प्राइस? मैंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, बाइक के लिए थोड़ी कुछ ऑर्डर किया। बात ऐसा है जैसे कि जिस दिन मीशो कंपनी में आपने सामान ऑर्डर कर रहे थे उस दिन कंपनी जिस तरीके से बच्चे का जन्मदिन सालगिरह मनाया जाता है उसी प्रकार से कंपनी 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कंपनी एक सिंगल जो लकीर रोकना रहा था अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए प्रचार प्रचार करने के लिए एक लकीर रोकना रहा था। 2,84,000 कस्टमर के बीच में कंप्यूटर के जरिए स्कैन किया था आपका यहाँ नाम और नंबर आया था, कंपनी का फर्स्ट विनर बने हुए हैं, आपका नाम से टाटा सुपारी कार दिया जा रहा है। कार दे रहे हो? अच्छा, कब भी जोड़ेंगे? अब यहाँ पे रितु समझ चुकी थी कि ये किसी स्कैमर का कॉल है, ठीक है। तो अब तक रितु को ऐसा लगा कि ये एक्चुअली कंपनी की तरफ से कॉल है, सामान बुक करवाया है तो कुछ डिलीवरी के लिए होगा, बट नाउ वो समझ चुकी है। अब आप देखिए आगे क्या हुआ। तो क्या देना होगा मुझे कार के लिए? कार के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा मिशो कंपनी जो आपको नाम से गाड़ी का पेपर तैयार किया जाएगा उसके लिए। कौन सा पेपर? मेरे हस्बैंड को दूं? उनको उनसे बात कर लो, वो सब पेपर आपको बता देंगे कैसे देने का। बात करवाइए। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कॉल पे क्योंकि अब कॉल या फोन मुझे दे दिया गया था, तो मैंने सोचा चलो भाई अब इनसे बात करते पता लगाते हैं कि ये क्या क्या चीजें मांगते हैं लोगों से और ये कैसे ठगते हैं लोगों को। आप अब ये कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको ये चीजें नहीं करनी है जो ये ड्यूरिंग द कॉल बोलते हैं। सुनते रहिए। हेलो, नमस्कार। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या हुआ, क्या कह रहे थे आप? आपका मोबाइल पे एक मीशो कंपनी से कुछ प्राइस दिया जा रहा था, उसके बारे में मैसेज मिला है, मैसेज को चेक कर लीजिए। अच्छा, मैसेज दिया जा रहा है? अच्छा अच्छा, मीशो कंपनी से बता रहे हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या है, क्या प्राइस क्या है? अभी एक बार चेक कर लीजिए, आपको उसमें डिटेल मिल जाएगा। क्या SMS भेजा है आपने? हाँ, मीशो कंपनी से मैसेज मिला होगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ कहाँ है, मैसेज आया ही नहीं है। मैसेज इनबॉक्स में आया होगा, डियर कस्टमर लकी धमाका मीशो ने शॉपिंग लिखा होगा। अच्छा अच्छा बराबर, ठीक है। अब इस दौरान मैंने यहाँ पे मैसेज ओपन किया फोन में कि इन्होंने क्या भेजा है, मैं आपको मैसेज बताता हूँ, देखिए कैसा दिखता है। तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये मैसेज जो आपको मिलता है ना, CP मीशो, मीशो की आप स्पेलिंग देखिए, ठीक है, एंड फिर आप मैसेज को देखिए। ये मैसेज जस्ट 15-20 मिनट पहले ही आया था, 9:42 को मैसेज आता है एंड 10:09 पे इनका कॉल आ जाता है, ठीक है, सेम डेट पे। अब देखिए मैसेज में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डियर कस्टमर कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्पेशल धमाका ऑफर ऑन, ये देखिए। अब आप स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे जो स्पेलिंग यूज किया है ना, ये देख के किसी को भी ये नहीं लगेगा
कि ये स्कैमर है, ठीक है। आवर लकी कस्टमर्स यूज ऑनलाइन शॉपिंग विन एक्साइटिंग प्राइस लाइक टाटा सफारी वर्थ 12,60,000। अरे बाप रे, रजिस्ट्रेशन फी है सिर्फ 3,500 रुपये। कॉल टू बुक ये वाला नंबर, जबकि ये वाला नंबर अलग है, अभी हम जिससे कॉल पे बात कर रहे हैं वो वाला नंबर अलग है, ठीक है। और विजिट, विजिट के आगे कुछ लिखा नहीं है, विनर थैंक यू चेतन लिख दिया, हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉल पे आगे क्या बातें हुई एंड ध्यान से सुनिए। 3,500 जैसे कि पैसा लेते हैं, इसमें टू ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन से गाड़ी लेते तो गाड़ी दिया जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है नहीं तो उसका मार्केटिंग कीमत लेते हैं 12,60,000 रुपये, तो मार्केटिंग कीमत आपको 12,60,000 रुपये दिया जाएगा। इसके लिए 3,500 खर्च इसलिए लग रहा है, जैसे कि आपका अकाउंट में कंपनी पैसा ट्रांसफर करेगा, बराबर। तो अगर बैंक वाला से या इनकम टैक्स वाला से पूछताछ जारी होने लगे कि आज का डेट में तुम्हारा अकाउंट में इतना रकम कहाँ से आया, क्या काम करता है, क्या बिजनेस करता है, अभी ब्लैक मनी का पैसा तो नहीं है, इसलिए कंपनी ये नहीं चाहता है मैं कस्टमर को पैसा दूं, मेरा कस्टमर कोई लफड़े में फंस जाए, इसलिए कंपनी आपको नाम से गवर्नमेंट से विजेता प्रमाण पत्र बनवाएगा, कंपनी अपना मोहर मार के देगा कि पैसा जाने के बाद अगर पूछताछ जारी भी होता है तो विजेता प्रमाण पत्र दिखा सकते, इसलिए आपको ओनली 3,500 खर्च जा रहा है, आपको 12,60,000 रुपये मिल जाएगा। अच्छा ऐसा, हाँ जी। तो पहले क्या करना है, पहले पहले पैसा देना है या पहले 12,60,000 मिल जाएंगे फिर पैसा देना है आपको? पहले नहीं, पहले आपको कंपनी का व्हाट्सएप नंबर लिखना पड़ेगा, उस पे पासपोर्ट साइज फोटो आधार कार्ड, हर जिस अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर, कोई सा भी बैंक का अकाउंट हो, बेशक जीरो बैलेंस का चालू होना चाहिए बस। ये वाली गलती जिंदगी में कभी मत करना कि आपका फोटोग्राफ, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या यू नो ऐसी चीजें भेजना। भाई आधार कार्ड तो किसी को भी शेयर करो ही मत, ठीक है। जब आप अपने फोटोग्राफ, आधार कार्ड इन चीज़ों को शेयर कर देते हो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उस पर भी ये तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांग रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी है जो बाकायदा आपकी आइडेंटिटी किसी यू नो किसी के हाथ में देने के बराबर है, और वो इंसान फिर जो चाहे वो कर पाए, आपके पैसों से मेन वो आपको यू नो कंगाल कर देगा। तो ये चीज का ध्यान रखे, देखिए ये क्या क्या चीज मांग रहे हैं। कंपनी से आपको 12,60,000 रुपये। अच्छा बराबर, ओके। तो आपको आधार कार्ड क्यों चाहिए, पर पैन कार्ड ले लो। आधार कार्ड इसलिए लिया जा रहा है जिससे कि आपका नाम से गवर्नमेंट से विजेता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। तो आप वो तो पैन कार्ड से भी बनवा सकते हो ना, इनकम टैक्स का ही चाहिए ना आपको। यहाँ पे मैं इसे ये सवाल कर रहा था कि भाई तू पैन कार्ड क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इनकम टैक्स की बात है ना, तो जहाँ पे पैसों की आने या जाने की बात होती है तो वहाँ पे तो पैन कार्ड से काम होना चाहिए, आधार कार्ड क्यों चाहिए तुझे। तो मैं वैसे भी इसे पैन कार्ड देने नहीं वाला था दोस्तों, मैं इसे सिर्फ बातों में उलझा रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसके जवाब क्या होते हैं इस स्कैमर के। देखते हैं, देखिए आगे क्या बोलते हैं। आजकल जानते हैं कि आधार कार्ड पूरा सरकार का नियम ज्यादा लागू होता है। अच्छा, आपको पता होगा, पढ़े लिखे होंगे तो खुद पता होगा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए तो आप गाड़ी का बोले तो मेरा तो मन ललचा गया कि 3,500 में गाड़ी मिलेगा तो इतना तो अच्छी बात है। क्या ऐसा क्या मतलब हमने कोई क्या क्या गाड़ी में आपको, गाड़ी में आपको 6,500 खर्च आएगा, पैसा में आपको ओनली 3,500 रुपये खर्च आएगा। अच्छा, पैसे में सिर्फ 3,500 रुपये खर्च आएगा ऐसा? हाँ, 3,500 रुपया से कम खर्च आएगा, गाड़ी में आपको 6,500 खर्च आएगा। अच्छा, गाड़ी में 6,500 आएगा, बराबर। सिर्फ फिर गाड़ी मुझे कहाँ से लेना है, फिर गाड़ी चाहिए मुझे? गाड़ी आपको कंपनी पहुँचाएगा आपका घर तक। अच्छा, कंपनी पहुँचाएगा। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मुंबई से, गुजरात से? मैं सूचना अधिकारी कंपनी का हेड ब्रांच से बात कर रहा हूँ, सोनू गुप्ता। अच्छा सोनू गुप्ता, नहीं मतलब कहाँ से, कौन से शहर से? ये तो केंद्रा सिटी कलकत्ता, लकी रोड सेंटर। अच्छा अच्छा, वहाँ से बात कर रहे हो, बराबर बराबर। आप लोग ये फ्रॉड करते हो तो आप लोग को कुछ समझ में आता है क्या, आप ये फ्रॉड कर रहे हो? वीडियो अभी भी बाकी है, पूरा फ्रॉड कॉल सुन के आप जरूर से समझिए। मैं आपको ये कहने आया हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसे कभी कोई फ्रॉड कॉल हुआ हो या आया हो या कभी कोई भी फ्रॉड हुआ हो एंड आप इसे शेयर करना चाहते हो ढेर सारे व्यूअर्स के साथ, तो आप मुझे अपने उस कॉल को विद ऑल द प्रूफ्स आप मुझे सेंड कर दीजिए मेरे ईमेल आईडी पे, एंड मैं इस पे वीडियो बना के सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। आपकी कॉल पूरी रिकॉर्ड की जा रही है, मैं इसे यूट्यूब पे डालूंगा, चलेगा? आप वहां पे आके मुझे जवाब देना कि आपने फ्रॉड नहीं किया है। अब आपका नाम, नंबर, सारी चीजें, ये सब चीजें रिकॉर्ड हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत रहेगा कभी नहीं।
चलिए ठीक है, हम देखते हैं, लोग आपको पहचान लेंगे। आपका जरा एक बार एड्रेस बताइए, मेरे जरा पहुंचे तो सही, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आपके पास। आप सही हो तो आप एड्रेस देने में चुकोगे नहीं, आप फोन को काटोगे नहीं। नहीं, आपको रियल है अगर अपना, आपको से खुद देखना चाहते हैं कि मेरा नाम से प्राइस है या नहीं है। आपको मीशो कंपनी का वेबसाइट भी मिल जाएगा। आप अपनी मीशो कंपनी का बस आप एड्रेस बता दो, आप बातों में मत घुमाइए। आपका ये पूरा कॉल रिकॉर्ड हो रहा किया जा रहा है, आपको सबको पूरा डिटेल ही मिल जाएगा मीशो कंपनी का। आप कंपनी का व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, उस पर हाई करिए। मैं पूरा व्हाट्सएप नंबर नहीं, आपके कंपनी का मुझे एड्रेस दीजिए। अभी आप फोन पे बता सकते हो बराबर आप कहाँ पे बैठे हो? मैं तो बता बोल ही रहा हूँ सर कि आप मीशो कंपनी का व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, मैं आपको टोटल फी आपको दे दूंगा। अच्छा चलो, व्हाट्सएप का जरूरत ही नहीं है, आप कहने का जरूरत नहीं। आप कंपनी का व्हाट्सएप नंबर लिखिए, मैं लिखवाता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड करिए चाहे कुछ भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत रहेगा तभी बिगड़ेगा कुछ। हाँ हाँ बोलिए। 889 811 29134। ठीक है, आपका नाम? सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता, ठीक है, आप कलकत्ता से बात कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम YouTube पे मिलेंगे, ठीक है। आपका कॉल रिकॉर्ड किया गया, इस नंबर पे हाई करिए, मैं मीशो कंपनी का वेबसाइट भी भेज देता हूँ। अरे सर जी, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। तो अब अगर आपको भी कभी ऐसा वाला फ्रॉड कॉल आया तो आपको क्या करना है ये आप समझ चुके हो, राइट? अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें, उन्हें भी पता चले कि कैसे फ्रॉड कॉल करके लोग आपको, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।